नाउ वी विल लर्न अबाउट वाटर एनिमल्स। अभी मैंने आपको वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताया, अब हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। डॉल्फिन, डॉल्फिन कहाँ रहती है, पानी में रहती है। देखो कितनी सुंदर है डॉल्फिन, आपने देखी है? अगर नहीं देखी तो जब भी आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाएं जहाँ पे समुद्र है, या फिर आजकल अंडरग्राउंड एक्वेरियम बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे देखने जा सकते हैं, तो आप अपने मम्मी पापा को बोलिए आपको दिखाएंगे डॉल्फिन। द नेक्स्ट वन इज स्टारफिश। इसे स्टारफिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप कैसी है, स्टार के जैसी, ये पानी में मिलती है। द नेक्स्ट वन इज ईल। ईल बहुत ज़्यादा कैसी होती है, चिपचिपी सी होती है, इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। द नेक्स्ट वन इज फिश। फिश मतलब मछली। आजकल बहुत से घरों में फिशेज होती हैं, फिश एक्वेरियम होता है, उसमें क्या होती हैं, अलग अलग कलरफुल फिश होती हैं। द नेक्स्ट वन इज सी हॉर्स। सी हॉर्स समुद्र में पाया जाता है और ये भी वाटर एनिमल है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी वाटर एनिमल है, और ऑक्टोपस क्या होती हैं, एट लेग्स होती है, आठ पैर होते हैं। नेक्स्ट वन फ्रॉग, मेंढक। मेंढक ऐसा एनिमल है जो लैंड पर भी रहता है और वाटर पे भी रहता है, ये दोनों जगह रह सकता है। नेक्स्ट वन क्रोकोडाइल। भाई कितना डरावना है क्रोकोडाइल, बहुत बड़ा होता है और ये वाटर में रहता है। द नेक्स्ट वन इज टर्टल। टर्टल मतलब कछुआ। क्रैब, क्रैब किसे कहते हैं, केकड़े को कहते हैं। सील एंड द लास्ट वन इज वेल, बहुत बड़ी मछली को वेल कहते हैं। वेल, शार्क, डॉल्फिन, स्टारफिश, ये सब क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की फिशेस हैं जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। नाउ टाइम टू गिव सम आंसर। विच एनिमल हैज़ अ शेप लाइक अ स्टार। कौन से एनिमल की शेप स्टार की तरह होती है, दैट इज स्टारफिश। S-T-A-R, star, F-I-S-H, fish, star, fish. Which is the longest water animal? Longest water animal कौन सा है? Longest water animal है whale. W-H-A-L-E, whale. The next one. Which animal has eight long arms? कौन से animal की eight arms होती हैं? वो होती हैं octopus की. O C T O, octopus, P U S S, octopus. Now the time for memories. Animals which cannot live without water are called aquatic animal. जो animal पानी के बिना नहीं रह सकते उन्हें हम aquatic animal कहते हैं। जैसे fish, fish पानी में रहती है, अगर आप fish को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो फिश क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। नाउ द टाइम फॉर एक्टिविटी। अब हम फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करेंगे। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ वाटर एनिमल्स, राइट देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ वाटर एनिमल्स की पिक्चर हैं, आपको क्या लिखना है, उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहली पिक्चर है किसकी, बताइए जल्दी। यस यू आर राइट, सबसे पहली पिक्चर है क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल, सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट पिक्चर बताइए किसकी है। नेक्स्ट पिक्चर है क्रैब, सी आर ए बी, क्रैब। तो बताइए थर्ड पिक्चर किसकी है। थर्ड पिक्चर है वेल की, W H A L E, वेल। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ ईल। तो अब बताइए बच्चों ये पिक्चर किसकी है। स्टार शेप का एनिमल है, तो कौन है, स्टार फिश, S T A R, स्टार, F I S H,
fish. The next picture is of frog. F-R-O-G, frog. And now this is the picture of ये किसकी है crocodile? नहीं. Octopus? No. This is a picture of fish. F-I-S-H, fish. Fish को क्या कहते हैं? मछली जल की रानी है. And the last picture is of, जल्दी बताइए last picture है seal की. S-E-A-L, seal.